भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष ने ब्रजमनगंज रेलवे स्टेशन प्रांगण में मतदाताओं का स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश जायसवाल समेत समस्त 16 वार्डों के नवनिर्वाचित सदस्य की मौजूदगी में क्षेत्र के मतदाताओं का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने कहा कि ब्रजमनगंज से सम्मानित मतदाताओं ने भाजपा को भारी जन समर्थन देकर जिले में सबसे बड़ी जीत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्रजमनगंज नगर में हर शहरी सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में नगर को 22 घंटे बिजली, 3000 नए आवास, विधवा वृद्धा पेंशन, अच्छी सड़कें, नालियां निर्माण कराकर अच्छे ढंग से सुंदर किया जाएगा। भविष्य में नगर पंचायत ब्रजमनगंज को नगर पालिका का दर्जा दिलाने में भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित मतदाताओं का आभार करते हुए कहा कि आपने जो भरोसा हमारी पार्टी पर किया है उसे टूटने नहीं दिया जाएगा। नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। ब्रजमनगंज की हर एक नागरिक का सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा और पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर नगर पंचायत बनाने का काम करूंगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की, यदि मैं कहीं गलत हूं तो मुझे तत्काल आप कहें, हम अपनी गलती सुधार कर उसे और बेहतर बनाने का काम करेंगे। इस अवसर पर समस्त नवनिर्वाचित सभासदगण समेत भाजपा नेता हरीश चंद्र सोनकर, चंद्र सिंह, राजू सिंह, गणेश जायसवाल, अरविंद मिश्रा एवं भारी संख्या में मतदातागण उपस्थित रहे। ब्यूरो डेस्क एंड इंडिया न्यूज। भारी जीत हुई है, अब बड़ी संख्याओं में जो है मतदाताओं ने भाजपा पे जो भरोसा रखा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और सदस्यों जो सदस्य भी जो है, आपने भारी संख्या में यहाँ से सदस्य निकले, जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी में भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की वो जो उसे नगर पंचायत की वोट है वह, और हम सब लोग पूरे 5 साल ब्रजमनगंज के जनता की आशाओं पे खरा उतरने का निरंतर प्रयास करेंगे, शानदार विकास करेंगे, शोषित वंचित गरीब के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का 100% लाभ दिलाने में हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जनता को निराश नहीं करेंगे। जी, एक और भी चर्चाएं हैं कि इस चुनाव को जो फरंदा और ब्रजमनगंज में आपके नाम से ये जीता गया है, तो क्या है? देखिए, मेरे नाम से कोई नहीं चुनाव जीता गया है, मैं तो एक साधारण नेता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ, और हमारे किसी आचरण व्यवहार के नाते जनता ये बात कह रही है तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत हुई है, जनता जनार्दन की भाव की।